अच्छा सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जब भी फ्लोर से प्रवीण सर हट जाते हैं तो एनर्जी गायब हो जाती है, तो जरा एक बार सारे लोग खड़े हो जाएं और एक बार बहुत जोर से क्लैपिंग करेंगे सब अपने लिए प्लीज। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज खुद ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। वंदे मातरम प्रगति। वंदे मातरम। राहुल शर्मा, फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस्ट, ए बैंकर टर्न एंटरप्रेन्योर, नाउ फाउंडर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस टूडे? बहुत जरूरी है जानना। एंड सक्सेस का जो सीक्रेट है वो गीता के इस श्लोक के अंदर में छुपा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरे पीछे पीछे आप सारे लोग एक बार इस श्लोक को दोहराएं। एंड श्लोक है, व्यवसाय आत्मिका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाय अनंतस्य आपके सक्सेस से रिलेटेड है। श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले हमें सक्सेस का मंत्र इस श्लोक के द्वारा बता दिया गया था, जिसको हम सारे लोग भूल चुके हैं। मेरे को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों को शायद वो बताने का प्रयास करूं। और वो शुरू होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है जो बहुशाखाय अनंतस्य हर दिशाओं की तरफ फोकस करता रहता है। जिस भी व्यक्ति का फोकस क्लियर नहीं होता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर आप जीवन में देखें, फोकस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इररिलेवेंट चीजों के लिए। जैसे जैसे फोकस बढ़ता जाता है लाइफ की इररिलेवेंट चीजें जो है वो घटती जाती है। जैसे जैसे फोकस बढ़ेगा आपके पास सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम देखें कि महाभारत की वो याद जो घटना है वो सभी को मेरे ख्याल से याद होगी, जिसके अंदर कृष्ण अर्जुन जो रहते हैं वो पक्षी को वृक्ष पे बैठे हुए पक्षी की आंख पे निशाना साधते हैं। तो वो आंख पे निशाना कैसे साध पाते हैं प्लीज मुझे कोई बताना शुरू करेगा? कंसंट्रेशन, फोकस, फोकस। तो फोकस अगर क्लियर हो जाता है तो हमारे पास सक्सेस हो जाती है। अब मैं ये पूछूं यहां पर कि व्हेन कैन बी अ पर्सन सक्सेसफुल इन लाइफ? फोकस तो क्लियर हो रहा है उसको, नहीं तो सक्सेसफुल कब हो जाता है? कंसिस्टेंसी। वेरी गुड सर। और व्हेन ही सैटिस्फाइड विद हर सक्सेस। वंडरफुल मैम। शिप्रा जी, एग्जैक्टली परसिस्टेंट रहते हैं उसमें। वंडरफुल नरेश जी, बड़ा सिंपल सी बात है, हम चश्मा क्यों लगाते हैं? सर आप बताएं। उस चीज को देख पाते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। सो व्हाट इज व्हाट व्हाट एवर यू फोकस इन दैट एक्सपैंड्स। जब भी आप फोकस करेंगे आपको श्योर है कि आप सक्सेस मिलेगी। वंडरफुल, सभी लोगों ने बहुत नजदीक से दिया है। बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जब भी व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि उसको फोकस क्लियर है, लेकिन उसको फोकस करना कहां पर है? जैसे ही उसको यह पता लग जाए कि उसको फोकस करना कहां पर है तो सक्सेस होने के चांसेस उसको बहुत क्लियरली नजर आने लगते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनमें एक ही चीज कॉमन होती है कि वो फोकस होते हैं। एंड फोकस होने के बाद में उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इसी चीज पे फोकस करना है। अगर यहां से हम अलग अलग जगहों पर फोकस करते रहेंगे और हम कहेंगे हम तो फोकस हैं बट हमको पता ही नहीं है कि हमें फोकस करना कहां पर था, तो जो फोकस आपका क्लियर हुआ ना वो बेकार हो जाता है। लाइक जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास को हम जब रखते हैं किसी पेपर के ऊपर में, तो प्रवीण सर ने अपना 3-4 बार हमें वो बताया है, उनकी ट्रेनिंग से भी सुना है, जब वो सन को कॉन्स्टेंटली एक जगह पर रखा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो वो पेपर में आग लगा देता है। अगर हम उसको हिलाते रहेंगे तो वो आग बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हियर माय रोल्स कम्स टू द पिक्चर। मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि आपके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा आपको फोकस कहां करना है,
जीवन के तीन एस्पेक्ट्स हैं आपके पास, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप्स। जब तीनों ही चीजें आपकी क्लियर हो जाती है और आपको पता होता है कि फोकस कहां पे करना होता है, तो आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं आपको फिंगरप्रिंट्स के द्वारा यह समझाने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले कि आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। आर यू अ लॉजिकल पर्सन, इमोशनल पर्सन और ए क्रिएटिव पर्सन। जब आपको यह समझ में आ जाता है कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर मेजर रोल कौन सी चीज प्ले कर रही होती है, तो आप उसके बाद में बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। सेकंड, हम ये पता करते हैं कि आर यू अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर और ए सर्विस क्लास पर्सन। अभी बहुत ज्यादा मिथ चल रहा है कि हम सारे लोग ना बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। अरे भाई, पहले ये तो जान लो कि आपके ट्रेड्स में वो है भी कि नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आप आइडिया एग्जीक्यूटर है या आइडिया को लेके आने वाले हैं, आप फॉलोअर है, आप बॉर्न लीडर है। जब आपको फिंगरप्रिंट्स के द्वारा यह पता लग जाता है कि आप किसके लिए बने होते हैं, तो आप बहुत इजीली अपनी लाइफ के सेकंड एस्पेक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। एंड थर्ड, जब आपको यह पता लग जाए कि आपकी लाइफ की नीड्स क्या है। हमारी लाइफ के अंदर नीड्स अलग अलग रहती हैं सबकी। किसी को इमोशनल नीड्स होती है, किसी को प्रेशर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हमें अपने स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटीज कैसी है, हमारी अपने बच्चों के साथ में क्या है। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को लेके भी। हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, हम अपने बच्चे से वो कराने की कोशिश करते हैं जो हमने नहीं किया होता है। अरे पहले ये तो समझो कि भैया वो बना किस लिए है। एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जहां मैं लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि आपका बच्चा किस डायरेक्शंस के लिए बना हुआ है। तो जब उसके आपको एक क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि आपको बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो बहुत इजिली आपकी रिलेशनशिप भी इंप्रूव होने लगेगी। आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ में किस तरीके की रिलेशनशिप रखनी है, आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, आपको अपने एम्प्लॉयर्स के साथ में, अगर इफ यू आर इन सर्विस क्लास तो आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस भी क्लियर हो जाती है। एंड मैं फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ये तीनों ही एस्पेक्ट्स पे आपके काम करने की कोशिश करता हूँ। एज आई एम रीचिंग टू द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन नाउ आई वॉन्ट की मैंने बहुत सारे लोगों को सर्विसेज दिया है अपना, अगर कोई लाइव टेस्टिमोनियल देना चाहे। जब मैंने राहुल जी से सर्विसेज ली, माय ओनली इनिशियल अट्रैक्शन वाज दैट आई वाज हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब आई वाज मोर एक्साइटेड, मोर इंक्विजिटिव कि कोई थंब इंप्रेशन से, फिंगर इंप्रेशन से कैसे मेरे बारे में बता सकता है। एंड आफ्टर वन वीक वी मेट, इट वाज अराउंड 2 या 3 आवर सेशन जिसमें कि ही टोल्ड ईच एंड, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं शीशे के सामने अपने आप को देख रहा हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई न्यू देयर आर देयर इनसाइड मी, बट वो क्या कारण था वो सब चीजें नहीं पता थी। सो इट वाज वंडरफुल नोइंग माय सेल्फ थ्रू हिम एंड इट रीइंफोर्स्ड मी। और मैंने कितने ही लोगों को फिर बाद में रिकमेंड भी किया फॉर हिज सर्विसेज, बट आई थॉरली एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम हिज सर्विसेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। When I give a testimonial, first, जैसे रजत जी ने कहा, पहले मैं भी बहुत curious थी जानने के लिए कि कैसे fingerprints से astrology तो सुना था, but this was a new thing कि how could you read our horoscopes and everything through the finger impressions. But when I had the session with him, it was so interesting and ऐसे लग रहा था कि वो मेरे को बहुत देर से जानते हैं, सारी मेरे बारे में बातें, past, future, my creative side, my likes, dislikes, everything he was telling me. And then he even told me those things which I wanted to do, but I was not paying attention to them. And after telling, so I started following them. He told me to go into music and all that. So, मतलब इनकी इतनी अच्छी लगी, उसके बाद मैंने अपनी पूरी family members की, my husband, my daughter, my son, daughter-in-law, सबका मैंने करवाए हैं। और हम लोग सारी तो नहीं, पर बहुत सारे changes हम लोग लाए हैं और उसी से बहुत इफेक्ट आए। We are moving towards the better and prosperous. सो जैसे अंजू जी ने, रजनी जी ने कहा था कि फिंगरप्रिंट से है, तो मुझे भी थोड़ा वैसे लगा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम राहुल जी से ही करवाया था, तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी एंड उसको रिकवर करने के लिए रेमेडीज भी बताई थी, जो बीच में मैंने ट्राई भी करी थी, तो वो वेरी इफेक्टिव थी। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डू कनेक्ट मी टू नो योर सक्सेस। थैंक यू सो मच।